आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में दो अलग अलग कैटेगरी के ऑपरेटर्स को। पहला है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड दूसरा है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या हैं। सो द पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक दैट ए वैल्यू एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और डज नॉट एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। तो बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर दो है हमारे पास जिनका हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू किसी कलेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है या एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पहला जो ऑपरेटर है हमारे पास वो है इन ऑपरेटर। इन के दो ऑपरेंट्स होंगे, एक इसके लेफ्ट में लिखेंगे एक इसके राइट में लिखेंगे एंड ये चेक करेगा कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो इसके राइट साइड में जो ऑपरेंट दिया उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देता है हमें। जैसे देखिए सपोज दैट यहां मैंने पाइथन का इंटरप्रेटर रन कराया, ए इक्वल टू एक वैल्यू डाल दी इसमें टी एंड हमने चेक किया ए इन तरुण। अब देखिए ए में क्या वैल्यू डाल रखी है हमने टी, तो इसका मतलब हो गया क्या चेक हो रहा है, टी इन तरुण, तरुण में टी आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है तो ये क्या देगा हमें ट्रू। सपोज इस तरह से हमने चेक किया जेड इन तरुण तो ये हमें क्या देगा अभी, फॉल्स, क्योंकि जेड जो है वो तरुण में नहीं आ रहा है। फाइन गाइज, अभी मैंने स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है, स्ट्रिंग की बजाय कोई भी सीक्वेंस हो सकते हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे लिस्ट होती है, टपल होती है, डिक्शनरी होती है, उन पे भी हम इन ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑपरेटर है दैट इज नॉट इन। नॉट इन जो ऑपरेटर है, पार्डन मी, ये नोट्स के अंदर नॉट के साथ इन नहीं लिखा हुआ है, इसे प्लीज करेक्शन करके इन पढ़िएगा। नॉट इन हमें ट्रू देता है जब इसके एलएचएस वाली वैल्यू इसके आरएचएस में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, यानी ये ट्रू कब देगा, जब एलएचएस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा आरएचएस में। जैसे मैंने चेक किया जेड नॉट इन तरुण तो ये हमें देगा ट्रू। बट अगर सपोज मैं चेक करता आर नॉट इन तरुण तो यह हमें देगा फॉल्स, क्योंकि आर जो है वो तरुण में आ रहा है। ये थे हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, सदस्यता को चेक करने के लिए यूज आते हैं। दूसरे हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये चेक करते हैं बेसिकली कि जो रेफरेंसेज है दो रेफरेंसेज को ये कंपेयर करते हैं, अगर वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो ये ट्रू देते हैं, अदरवाइज ये फॉल्स देते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की बजाय या रेफरेंस की बजाय इन्हें सिंपल वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज को कंपेयर करने का काम करते हैं। दो ऑपरेटर है हमारे पास आइडेंटिटी के लिए, इज एंड इज नॉट। अगर हम इज की बात करें तो इज हमें ट्रू देगा जब दो ऑब्जेक्ट दो रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो, अदरवाइज हमें फॉल्स देता है। अगर हम इन्हें डायरेक्टली वेरिएबल या वैल्यू पे अप्लाई करते हैं, वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं तो सिंपली ये चेक करते हैं दोनों वेरिएबल सेम है क्या, वैल्यू सेम है क्या उनकी, अगर सेम है तो ये ट्रू देते हैं अदरवाइज फॉल्स देते हैं। जैसे देखिए मैंने यूज किया ए बराबर 10 बी बराबर 10, चेक किया ए इज बी तो ये हमें देगा ट्रू। सपोज देन चेक किया ए इज 20 तो ये हमें देगा फॉल्स, क्योंकि ए और 20 इक्वल नहीं है, इनकी वैल्यू सेम नहीं है। दूसरा हमारे पास जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो है नॉट इज, इज नॉट, सॉरी, इज नॉट हमें ट्रू देगा अगर इसके एलएचएस और आरएचएस रेफरेंस जो है वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ना कर रहे हो, और अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो फॉल्स देगा। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट्स वगैरह देखे नहीं है, जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको ऑब्जेक्ट्स पे भी इसे कंपेयर करके दिखाऊंगा। अगर हम जनरल वेरिएबल पे अप्लाई कर रहे हैं इज नॉट को तो ये सिंपली चेक करेगा वैल्यूज दोनों की सेम नहीं है क्या, अगर सेम नहीं है तो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स। जैसे देखिए सपोज ए इक्वल टू 10 है हमारे पास, बी इक्वल टू 20 है, हमने चेक किया ए इज नॉट बी तो दे रहा है ट्रू क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। अब हमने चेक किया बी के अंदर हमने सेम वैल्यू असाइन कर दी जो हमारे पास ए में थी, नाउ हमने चेक किया ए इज बी
ए इज नॉट बी, तो अब हमें क्या दे रहा है ये, फॉल्स। फाइन गाइज, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।